हिंदी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड के द्वारा जारी मानविकी वर्ग के छात्रों के लिए हिंदी विषय का यह आदर्श प्रतिदर्श प्रश्न पत्र छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने में काफ़ी सुविधा उत्पन्न करेगा। अतः छात्रों से आग्रह है कि वे इस मॉडल पेपर को अवश्य देख लें, हल कर लें, तैयार कर लें, ताकि इनमें से यदि कोई प्रश्न उनकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो वे उसको ठीक ढंग से उसका उत्तर लिख सकें। निर्देशों के बाद यह खंड क का पहला प्रश्न है। क रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से एक सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। इसी प्रकार ख है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। इसमें भी यह विकल्प दिया गया है, एक सही विकल्प आपको चुनना है। ग है, तितली के लेखक हैं। इसमें भी ये चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक सही विकल्प चुनना है। इसके पश्चात घ है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। अंग है, निंदा रस किसकी रचना है। तो ये क से लेकर घ तक, अंग तक, सभी ये क से अंग तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें से चार में एक सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। दूसरा प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव प्रकार का है, सभी एक नंबर का है। इसमें भी क है, आंसू के रचनाकार हैं। ख है, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। ग है, शेखर एक जीवनी की विधा है। घ है, यामा किसकी रचना है। अंग है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ये क से लेकर अंग तक दूसरा प्रश्न भी एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रकार का है। इसके पश्चात है तीसरा प्रश्न, गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे से लेकर यह हाथ पैर चलाना नहीं है न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि एक स्नेह और सहयोग की भावना है के आधार पर ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। अथवा करके दूसरा गद्यांश है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो से लेकर आपको दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। इस गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ये प्रश्न हैं दिए गए नीचे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये तीसरा प्रश्न। गद्यांशों के पश्चात अब पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये चौथा प्रश्न है, इसमें भी पांच पांच प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न दो नंबर के हैं। यह आज की दुनिया विचित्र नवीन से लेकर सिंधु एक समान के यह पद के आधार पर ये पांच प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अथवा करके दुख की पिछली रजनी बीत से लेकर यह दिया गया है, लास्ट है इसका, कभी मत जाओ इसको भूल तक, इसके आधार पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें भी ये कुल पांच प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर पांच का क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्दों की दी गई है 80। इसमें ये तीन लेखक हैं, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसका भी अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। इसमें भी ये तीन कवि हैं, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके आधार पर
आपको लिखना है 80 शब्द अधिकतम सीमा के अंतर्गत। छठवां प्रश्न है, कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए, इसका भी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द दिए गए हैं। अथवा करके है, ध्रुव यात्रा अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए। सातवां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये अलग अलग प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार का खंड काव्य पढ़ाया जाता है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आप जिस भी जिले में पढ़ते हैं, उस जिले में कौन सा यह खंड काव्य पढ़ाया जाता है, उस खंड काव्य का यह प्रश्न सभी खंड काव्यों का दिया गया है। इसमें से आप अपने पढ़ाए गए खंड काव्य की तैयारी कर लें। प्रतापगढ़ और इसके आसपास के जनपदों में सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर उसकी नायिका के चरित्र की विशेषताएं बताइए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह टॉपिक पढ़ाया जाता है प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में। तो ये अन्य जिलों के लिए, ये सभी जितने भी यूपी बोर्ड में खंड काव्य सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है, वे जिले के छात्र अपना इसको देखकर प्रश्नों को ठीक ढंग से तैयार कर लें। इसके पश्चात है अगला खंड ख। अब यहाँ से संस्कृत का जो टॉपिक है वो प्रारंभ हो जा रहा है। आठवां प्रश्न का क, खंड ख, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, इसका आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, हो सकता है आपके फरवरी में होने वाले बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जा सकता है, अतः इसको ठीक ढंग से तैयार कर लें आप। अथवा करके ये दूसरा संस्कृत का यह गद्यांश दिया गया है, इसको भी संदर्भ आपको हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। यह ख है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश के बाद ये पद्यांश दिए गए हैं, आपको संदर्भ हिंदी में इन पद्यांशों का अनुवाद करना है। इसमें भी अथवा करके दिया गया है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। संस्कृत है, हिंदी में अनुवाद करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये दो प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें दो दो नंबर के ये प्रश्न है, ये दिया गया आप देख रहे हैं, इनको अवश्य तैयार कर लें। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 10 का क, शांतरस अथवा विभत्स रस का अस्थाई भाव के साथ परिभाषा या उदाहरण दीजिए। ख है, यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा या उदाहरण दीजिए। ग है, सोरठा अथवा उपेंद्र वज्रा छंद की मात्राओं के साथ उदाहरण या परिभाषा दीजिए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है साहित्य और जीवन, दूसरा है नारी शिक्षा की उपयोगिता, तीसरा है बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, चौथा है वृक्षारोपण का महत्व, पांचवा है प्रीतकर काहू सुख न लहियो। इसके पश्चात यह 12वां प्रश्न का क है, पहला सहायक का संधि विच्छेद या ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। ख है, सचित का संधि विच्छेद कीजिए। सचित का संधि विच्छेद क्या है, इसको आपको चुनना है। तीसरा है विष्णुस्त्राता का संधि विच्छेद, इसमें भी चार में से कोई एक सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद ख है, यथाशक्ति में समास है, ये चार विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प आपको चुनना है। दूसरा है नील गाय में समास है, ये चार समास का नाम दिया गया है, इसमें से एक सही समास का नाम चुनना है नील गाय में। इसके पश्चात अगला 13वां प्रश्न है, इसका क है, त्रिष्ठतम अथवा अपटतम किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का रूप है। ख का पहला है आत्मनेह रूप है आत्मन शब्द का, इसमें ये विकल्प दिए गए हैं, एक सही विकल्प आपको चुनना है। दूसरा है ये साम रूप है यत शब्द पुलिंग का, चार विकल्प में एक सही विकल्प चुनना है।
इसके पश्चात ग है, ग का पहला है पठनीय शब्द में प्रत्यय है, इसके भी चार विकल्प में एक सही को चुनना है। दूसरा है गुरुता शब्द में प्रत्यय है, इसमें भी चार विकल्प में एक सही का चुनाव आपको करना है। 13वें प्रश्न का घ है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये तीन दिए गए हैं, प्रयुक्त विभक्ति और संबंधित नियम का आपको उल्लेख करना है, जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसके पश्चात यह 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये चार वाक्य दिए गए हैं, दो का संस्कृत में अनुवाद करना है, दो दो नंबर का होगा। तुम्हें क्या करना चाहिए, हम जा रहे हैं, वे दोनों कल काशी गए थे, कृतिका एक मेधावी छात्रा है, इस चार में से दो का संस्कृत में अनुवाद करना है, दो दो नंबर का होगा। तो ये है स्टूडेंट हिंदी का प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट छात्रों के लिए, जो मानविकी वर्ग के छात्र हैं उनके लिए आप इसको अवश्य तैयार कर लें, ताकि आप हिंदी विषय में भी अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।